हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू नेक्स्ट सेशन ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस uh, करेंगे कि कोडिंग क्या होती है और कौन कौन से एरर्स हैं विच कैन अकर ड्यूरिंग कोडिंग प्रोसेस सो लेट अस स्टार्ट विद टूडेज टॉपिक तो सबसे पहले व्हाट इज कोडिंग नाउ इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड वट इज एलगुरदम फ्रोचार्ट तो जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर तो देर आर अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो लाइक इसी प्ले में फर्स्ट वीडियो में मैंने स्टेप्स बताए थे तो उसमें फर्स्ट स्टेप था प्रॉब्लम एनालिसिस देन टास्क एनालिसिस एल्गोदम डेवलपमेंट एल्ग्रोदम टेस्टिंग उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टेप है दैट इज कोडिंग तो जब भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं किसी लैंग्वेज में टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें किसी भी लैंग्वेज में कुछ स्टेप्स लिखने पड़ते हैं जिनको हम इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं तो जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज कोड और सोर्स कोड विच इज़ जनरली नोन एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम सो प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस फॉर एन एनालाइज प्रॉब्लम इज नोन एज कोडिंग मतलब कोडिंग क्या है प्रोसेस ऑफ द राइटिंग प्रोग्राम तो जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं वो प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है लाइक सी सी प्लस प्लस और जावा एंड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सच प्रोग्राम इज़ नोन एज कोडिंग तो कोडिंग जब हम प्रोसेस करेंगे तो उसमें काफ़ी हार्डशिप्स होती हैं लाइक हार्डशिप्स मीन्स कोडिंग टेक्स मोस्ट ऑफ द लेबर टाइम एंड मनी इन ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ एनी प्रोजेक्ट ऑफ और एनी डिवेलपमेंट ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम नाउ जब भी हम कोडिंग करेंगे लाइक like अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ अगर सपोज वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सी सी इज बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज इसको मिडिल लैंग्वेज भी कहते हैं देट वी विल डिस्कस लेटर ऑन बट इसमें जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फॉर दी टाइमिंग हम करेंगे दैट आर इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू हाई लेवल लैंग्वेज तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम हम लिखते हैं दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड बाई दी ह्यूमन बींग्स बट जो कंप्यूटर है कंप्यूटर बींग है मशीन मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज मीन्स और जो मशीन है मशीन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज और विच इज आल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज इज लैंगज इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन सो वेन एवर वी आर मेकिंग प्रोग्राम और डेवलपिंग प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज दैन वो प्रोग्राम अगर हमने मशीन को अंडरस्टेंड करवाना है तो उसके लिए वी नीड अ ट्रांसलेटर वी नीड अ ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर का काम क्या होता है दैट विल कन्वर्ट योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम

हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन टू लो लेवल और मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज इज़ आल्सो नोन एज लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम विच इज़ इजली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर मीन्स लाइक अगर मैंने कोई इंस्ट्रक्ट प्रोग्राम बनाया हुआ है सी में से टेन लाइन्स का तो जो मैं प्रोग्राम टाइप करूँगा इन सी और सी प्लस प्लस दैट इज़ नोन एज सोर्स कोड उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं एंड उस सोर्स कोड को हम ट्रांसलेट करेंगे विद दी हेल्प ऑफ कंपाइलर एंड ट्रांसलेट करने के बाद उसका एक मशीन कोड जनरेट होगा मशीन कोड इज़ आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट कोड से मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं लाइक इन सी अगर मैं सपोज कोई प्रोग्राम बना रहा हूं टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स और मैं उस प्रोग्राम को सेव कर दिया मैंने सम सी के नाम से तो आफ्टर द कंपाइलेशन प्रोसेस जब मैं कंपाइल करूंगा प्रोग्राम को तो कंप्यूटर एक उसकी नई फाइल बना देगा कंपाइलर उसकी एक नई फाइल क्रिएट करेगा और उसका नाम होगा सम डॉट ओ बी जी तो ओ बी जे स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट कोड एंड डॉट सी इज एक्सटेंशन फॉर अ सी प्रोग्राम सिमिलरली देर आर सर्टन लैंग्वेज विच हैव इंटरप्रेटर एंड द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में बेसिक डिफरेंस मैं आपको सिर्फ वन डिफरेंस बता रहा हूँ से अगर हमारा प्रोग्राम टेन लाइन्स का प्रोग्राम है तो जो कंपाइलर है वो टेन लाइन्स को एट वंस कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में मीन्स टेन लाइन्स आर कन्वर्टेड इन टू मशीन कोड एट वंस बाई कंपाइलर वेर एज जो इंटरप्रेटर है उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा द डिटेल अबाउट दी कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेटर विल बी डिस्कस्ड इन कंप्यूटर फंडामेंटल्स

एंड अगर सपोज़ आपका प्रोग्राम पूरा चल रहा है मीन्स इट इज़ सक्सेसफुली कंपाइल्ड एंड यू विल रन द प्रोग्राम आप प्रोग्राम को रन करोगे रन करके आपने देखना है कि प्रोग्राम मीन्स करेक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है तो उसके लिए यू विल यूज़ सम टेस्ट डेटा यू विल यूज़ सम टेस्ट डेटा लाइक सपोज मैं अगर आप बेसिक बेसिक्स एग्जाम्पल हूँ सम ऑफ टू नंबर्स तो सम ऑफ टू नंबर्स में सपोज़ अगर मैं नंबर दे रहा हूँ एक ट्वेंटी एक थर्टी तो यू you नो know कि सम जो है समिफ़्टी आना चाहिए एंड इफ यू रन द प्रोग्राम अगर तो आंसर मेरा फिफ्टी आ रहा है तो इट मीन्स माई प्रोग्राम इज़ करेक्ट सो दिस इज़ नोन एज टेस्टिंग तो टेस्टिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट प्रोग्राम परफॉर्म्स द इंटेंडेड टास्क फॉर विच इट इज़ रिटर्न कि वो जो टास्क के लिए हमने प्रोग्राम लिखा है वो टास्क परफॉर्म कर रहा है एंड अगर वो टास्क परफॉर्म हो रही है तो वेदर इट इज परफॉर्मिंग करेक्टली और नॉट एंड जो टेस्टिंग के लिए वी हैव टू टेक डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा मीन्स हम डिफरेंट डेटा सेट के साथ उसको प्रोग्राम को चेक करेंगे एंड देर में भी डिफरेंट टेस्ट केसेस एंड सम टेस्ट केसेस आर टेकन विद नॉर्मल डाटा एंड सम टेस्ट केसेस आर क्रिएटेड विद एबनॉर्मल डाटा एबनॉर्मल डाटा मीन्स लाइक like, अगर हम डेटा गलत लेंगे तो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है कैसे बिहेव करेगा लाइक like, सपोज हम किसी प्रोग्राम में स्केयर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं सपोज मैंने अगर नंबर मैंने ट्वेंटी फाइव दिया तो ट्वेंटी फाइव का स्केयर रूट आई नो दैट इट इज़ फाइव देन अगर कंप्यूटर इसका आंसर फाइव दे रहा है हमारा प्रोग्राम आंसर फाइव दे रहा है तो देन इट्स फाइन बट अगर मैं नंबर माइनस ट्वेंटी फाइव ले रहा हूँ तो दिस इज़ एबनॉर्मल डेटा क्योंकि माइनस ट्वेंटी फाइव का स्केयर रूट इज नॉट डिफाइंड और यू कैन सी इट इज इमेजिनरी तो उसमें कंप्यूटर कैसे बिहेव कर रहा है हमारा प्रोग्राम कैसे बिहेव कर रहा है दैट वी हैव आल्सो टू चेक दैट सो दिस इज नोन एज टेस्टिंग एंड ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड ड्यूरिंग कंपाइलेशन देयर मे बी सर्टन एरर्स विच आइदर आर डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर और दिज आर डिटेक्टेड बाय द प्रोग्रामर सो जो एरर है इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग इट इज नोन एज बक एंड रिमूविंग एरर अगर हम एरर को रिमूव करेंगे रिमूविंग एरर इज नो काल्ड डी बग एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डी बगिंग सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर्स इज कॉल्ड डी बगिंग तो डी बगिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड एलिमिनेटिंग प्रोग्राम एररस और बग्स बोथ टेस्टिंग एंड डीबर्गिंग है जो दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग स्टेप्स हैं बिकॉज समटाइम्स एरर्स की लोकेशन ही नहीं पता चलती तो टू फाइंड इट्स लोकेशन ह्यूज लेबर और ह्यूज टाइम इज रिक्वायर्ड समाइम टाइम स्पेंट इन टेस्टिंग एंड डिबर्गिंग एक्टिविटीज इज मच मोर देन दाइम स्पेंट इन द प्रोग्राम कोडिंग मीन्स कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम कोडिंग में तो मेरे को से वन आवर लगा बट उसमें जो एरर आया एरर लोकेट करने में मेरे को सपोज टू आवर्स लगे और थ्री आवर्स लगे और उसको करेक्ट करने में मोर टाइम्स इज मोर टाइम इज रिक्वायर्ड सो डिबिंग इज द बेसिकली प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड एलिमिनेटिंग द प्रोग्राम एरर और बग नाउ जो प्रोग्राम एरर और बग हैं देर मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स तो नाउ वी विल डिस्कस वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स दैट कैन अक्कर ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग तो बेसिकली जो एरर्स हैं दे आर डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज तो ये फोर कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वन इज़ कॉल्ड सिंटेक्स एरर देन सेकेंड लॉजिकल एरर रन टाइम एरर एंड हिडन एरर्स सो लेट अस सी वन बाय वन व्हाट आर दीज एरर्स तो सबसे पहले सिंटेक्स एरर सिंटेक्स एरर की डेफिनेशन से पहले आई विल टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में लाइक like, अगर मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ सपोज आई एम लर्निंग सी लैंग्वेज सो अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूँ तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सी यू कैन इजिली डिटेक्ट कि जो आई है आई शुड बी रिटर्न इन अपर केस एंड क्योंकि ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए फुल स्टॉप आना चाहिए या फिर क्रेक्ट सेंटेंस ये बन सकता है एम आई लर्निंग सी अगर मैंने क्वेश्चन मार्क रखना है तो दैट यू नो बिकॉज यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज तो सिमिलरली सी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स जो सेट ऑफ रूल्स एक लैंग्वेज में फॉलो होते हैं दे आर नोन एज सिंटेक्स रूल्स दे आर नोन एज सिंटेक्स रूल्स एंड जब हम लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जो एरर जनरेट होंगे दे आर नोन एज सिंटेक्स एरर्स इन ए सेम वे जैसे इंग्लिश में वी कार्ड दीज एज ग्रामेटिकल एरर्स सो ग्रामेटिकल एरर्स इन प्रोग्रामिंग आर नोन एज सिंटेक्स एरर्स सो दीज आर दोज एरर्स वेन रूल्स और दिनटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नाट फॉलोड तो सिंटेक्स एरर क्यों आते हैं जब हम कोई जैसे एक लैंगवेज है उसमें कोई कॉमा सेमी कॉलन या कोड्स दीज आर कार्ड कोर्ड्स और डबल कोर्ड्स तो ये फिक्स होते हैं कि कहाँ पर हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है अगर हम वो रूल फॉलो नहीं करेंगे तो कंप्यूटर विल जनरेट एरर लाइक एक सिंपल सी एग्जांपल है जैसे मैंने एक सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में ये मैं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू मल्टीप्लाई एंड देन सेमिकोन सो इसमें क्या मिस्टेक है कि जब भी हमने एक पेरेंथीसिस इसको पेरेंथीसिस बोलते हैं ब्रैकेट को इन uh, सी तो जब हम ये पेरेंथिसिस यूज करेंगे तो इट इज़ ऑलवेज यूज इन पेयर मीन्स अगर हम इसको ओपन करें तो कहीं ना कहीं जाके इसको क्लोज भी करेंगे अगर मैंने इसको नहीं क्लोज़ किया तो वो नाउ इट इज़ अ सिंटेक्स एरर एंड इट विल भी डिटेक्टेड बाई दी कंपाइलर तो जितने भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर मीन्स चाहे वो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है इट विल ईजीली डिटेक्ट दोकेशन ऑफ द सिंटेक्स एरर सो सिंटेक्स एररा जनरली डिटेक्टेड बाई द कंपाइलर इट सेल्फ तो वहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा

बट उसकी जो आउटपुट है या तो आउटपुट नहीं आ रही है या आउटपुट रॉन्ग आ रही है देन प्रोग्रामर को फिर लाइन बाय लाइन उसको चेक करना पड़ेगा एंड डिटेक्ट करना पड़ेगा कि वो क्या एरर है तो लॉजिकल एरर्स अराइज ड्यू टू प्रॉब्लम इन प्रोग्राम लॉजिक अगर हमने किसी प्रोग्राम के लॉजिक को अंडरस्टैंड करने में मिस्टेक की है देन उसका हमने एल्गोरिद्म या फ्लो चार्ट गलत बनाया या हमने कोई फार्मूला रोंग अप्लाई कर दिया तो उसके इसमें जो एरर आएगा दैट विल बी कॉल्ड अ लॉजिकल एरर एंड कंप्यूटर को लॉजिकल एरर के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा सो so, जब हमारे रिजल्ट आएंगे तो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट से वो डिफरेंट आएंगे दैट्स वाई करेक्ट आउटपुट नहीं मिलेगी तो उस टाइम पे हम प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करेंगे एंड दैट एरर कैन बी डिटेक्टेड लाइक अगर हम मैं एग्जाम्पल हूँ तो सपोज़ हमारे जैसे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्केयर थ्री पॉइंट वन फोर इंटू आर इंटू आर बट सपोज़ जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैंने गलती से यहाँ मल्टीप्लाई की जगह प्लस डाल दिया

रेफरेंसिंग एंड आउट ऑफ रेंज एरे एलिमेंट तो एरे क्या होती है जैसे लिस्ट ऑफ नंबर है सो so, सपोज मेरे पास एक एरे है जिसमें आई हैव स्टोर्ड सेवन एलिमेंट्स और फाइव एलिमेंट्स दीज आर फाइव एलिमेंट्स तो इन सी दीज आर रेफर बाई व लोकेशन नंबर्स जीरो वन टू थ्री फोर तो फर्स्ट एलिमेंट इज़ कार्ड ए जीरो अगर सपोज इसका नाम ए है तो ए ज़ीरो ए वन ए टू ना ऐसे अप टू ए फोर तक होंगे ना इन प्रोग्राम अगर मैं इसी एरे में ए फाइव को रेफर कर रहा हूँ तो दैट इज दैट विल क्रिएट अ रन टाइम एरर सिमिलरली अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर का स्केयर रूट कैलकुलेट कर रहा हूँ स्केयर रूट ऑफ माइनस ट्वेंटी फाइव सो इन सी वी कैन नॉट कैलकुलेट दी स्केयर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर एज सच सो दिस विल अगेन जनरेट अ रन टाइम एरर राइट देन नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड हिडन एरर्स सो हिडन एरर्स आर दी एरर्स विच आर नोट एरर्स इन जनरल केसेज इन सम पर्टूलर केसेस दीज विल क्रिएट प्रॉब्लम तो दीज आर आल्सो नोन एज लेटेंट एरर्स तो ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा टाइप्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे लाइक like, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसे सपोज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ सम ऑफ ए एंड बी विद डिफ्रेंस ऑफ सी एंड डी तो अगर सपोज मेरे पास ए की वैल्यू टेन है बी टेन है सी से ट्वेंटी है और डी अगेन मेरे पास टेन है तो रिज़ल्ट क्या आएगा टेन प्लस टेन ट्वेंटी अपोन सी माइनस डी ट्वेंटी माइनस टेन इज टेन तो रिजल्ट विल बी टू बट नाउ सपोज अगर ए टेन बी टेन सी भी टेन है और डी भी टेन है नाउ वट विल रिजल्ट टेन प्लस टेन ट्वेंटी डिवाइड बाई टेन माइनस टेन जीरो